आहिस्ता आहिस्ता एक मंजिल दरूद शरीफ पढ़ी
अल्लाह की हम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम के बाद बताना ये है और अर्ज ये करना है कि जो कुछ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा आप यकीन मानिए कि वो अल्लाह का फरमान होगा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत होगी। इस हैसियत से इंशाअल्लाह जरूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूंगा। मुकद्दस कराजी अजीज नहीं, आप खूब जानती हैं और इस हकीकत से आप वाकिफ हैं कि इस दुनिया में आने के बाद हम अपनी जिंदगी लिमिटेड टाइम के लिए गुजारते हैं और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हमें हाजिर होना है। ये ऐसी बात है कि जिसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम कौमें समझती हैं और जानती हैं कि इस दुनिया से उन्हें एक दिन जाना है। मुसलमान चूंकि मजहब इस्लाम की रोशनी में उसकी मालूमात ज्यादा है और वो इस बात पर यकीन रखता है कि इस दुनिया में वो जो कुछ करेगा उसका हिसाब किताब अल्लाह की बारगाह में देना है और एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि हम इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया के लिए चले जाएंगे। मुकद्दस खवातीन, इस रोशनी में इस बात को जानिए और इस पर यकीन कीजिए कि जब दुनिया में हमारा आना एक लिमिटेड टाइम के लिए और उसके बाद हमें इस मकान से दूसरे मकान की तरफ जाना है और कुरान ने हमें बताया, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम से हमें इस बात का पता चला कि ये दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है। जिस तरह से हम आज ओरिएंट हॉल में इस मकान पर मौजूद हैं और आपसे बात करने का मुझे मौका मिला है, ये दुनिया भी एग्जामिनेशन हॉल है। यहां आने के बाद हमें मुख्तलिफ किस्म की एग्जामिनेशन और मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहान से हमें वास्ता पड़ता है और उसमें हमारी चेकिंग होती है, हमें आजमाया जाता है, हमें देखा जाता है, हमें समझा जाता है कि आया ये मेरा बंदा या ये मेरी बंदी मेरे अहकाम पर अमल करती है या नहीं। आप यकीन मानिए कि इस्लाम वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं आया बल्कि इस्लाम के अहकाम में आपका बराबर का हिस्सा है। इस्लाम के तमाम उसूल जितने फंडामेंटल स्टोन है और इस्लाम के जितने रूल और रेगुलेशन है उनमें आपका भी हिस्सा है और इस बात की जरूरत है कि आप इस्लाम को स्टडी करें, इस्लाम को देखें और सोचें कि इस्लाम ने औरतों के लिए क्या फैसिलिटी रखी है और इस्लाम ने औरतों की पोजीशन को और औरतों को औरतों के रिस्पेक्ट को और इज्जत को कितना ऊंचा किया है। अगर आप इस्लाम की स्टडी करेंगी और इस्लाम को आप देखेंगी तो आपको मालूम होगा कि ये इस्लाम है कि जिसने औरतों के मकाम को बहुत ऊंचा किया। आप और जीजिए और देखिए कि जिस दुनिया में आप रहती हैं, जिस
टाइम और वर्ल्ड से आपका कनेक्शन है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप है। बाद में मार रखना औरतों की सोसाइटी पर, औरतों की कैटेगरी पर इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि बास सोसाइटी ने, बास ग्रुप ने, बास इंसानों ने औरतों को अपने ऐश, अपनी इशरत और बदतमीजी और बेहयाई का जरिया औरतों को करा दे। यानी इस सोसाइटी ने सिर्फ औरतों के मुताबिक अगर सोचा तो ये सोचा कि औरत एक ऐसी चीज है कि जिससे दिल को बहला दिया जाए, या औरत सिर्फ ऐसी चीज है कि उसको तमाशा बना करके फुटबॉल की तरह उससे अपना वक्त गुजार दिया जाए, जिस तरह मौका मिले उसको किक मार दी जाए और जिस तरह हम चाहे औरतों की जिंदगी को पाल। अजीज बहनों, मैं इस कौम की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप जान रही हैं उस कौम को कि किस कौम ने औरतों को फुटबॉल बनाया और किसने औरतों को अपने मजाक का और अपनी बेहया जिंदगी का जरिया बनाया। बांस वो कौमे हैं कि जिन्होंने मां बंदा औरतों को ये समझकर और ये अकीदा करके कि मां बंदा इनसे गुनाह होता है, इसलिए उन्होंने इस कैटेगरी को टच करने की जरूरत ही महसूस नहीं की और औरतों को बिल्कुल छोड़ दिया। इस्लाम चूंकि ये यूनिवर्सल होने की हैसियत से, आलमगीर मजहब होने की हैसियत से, उसने आपकी बिरादरी को, आपके सर्जन को इस्लाम ने टच किया, इस्लाम ने टच किया, उसने आपको देखा, आपके बाजुओं को इस्लाम ने पकड़ा, आपकी बेइज्जती को और जो पोजीशन आपकी एक्सपेक्टेड पोजीशन थी उस पोजीशन को सही करने के लिए, आपको मां का दर्जा देने के लिए, बहन का दर्जा देने के लिए, बीवी का दर्जा देने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश इस्लाम की है। इस हैसियत से ए मेरी मुकद्दस बहनों, इस्लाम का आपके बंदूर रेशे पर एक ऐसा एहसान है कि इस एहसान को न कोई और फरामोश कर सकती है, न कोई मर्द इसको भूल सकता है। बताना ये है कि इस्लाम ने आपको बड़ा ऊंचा मर्तबा, जो लोग औरतों से नफरत करते थे, इस्लाम ने मुझे समझाया कि तुम्हारी ये बेग और तुम्हारा ये रूप जो है जो गलत है, और जिन लोगों ने औरतों को सिर्फ अपने ऐसो इज्जत का जरिया बना लिया था, इस्लाम ने उनसे कहा कि औरतें सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम उनको अपनी तकलीफ का, अपनी पिकनिक का जरिया बनाओ, बल्कि औरतों की सोसाइटी और औरतों का मुकाम ऊंचा है, वो इस वर्ल्ड में और इस दुनिया में कुदरत की तरफ से मैसेज है, एक पैगाम है और कुदरत का एक मॉडल है, एक एग्जाम्पल है, एक नमूना है। औरतों की जिंदगी जो है वो एक ऐसी जिंदगी है कि मर्दों की जिंदगी में बेहतरीन रोल अदा करती है, बेहतरीन एक्ट करती है। औरतों के वजूद के बगैर, औरतों की जिंदगी के बगैर और औरतों के वक्त के बगैर मर्द का कोई सर्जी, मर्द का कोई शोला और मर्द की कोई सोसाइटी मुकम्मल नहीं बल्कि अनकम्प्लीट है। मुकद्दस बहनों, क्या जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं ये सब कुछ अल्लाह के जलालुहू के फरमान को, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूं, और इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आपको अपनी पोजीशन का पता चले, आप समझें कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका स्टेज क्या है। याद रखिए, जो कौमें अपने स्टेज को भूल जाती है, जिन कौमों को अपने अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं होता, वो कौम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकती। आप एक मुसलमान की हैसियत से, एक मुसलमान औरत की हैसियत से आप इस दुनिया में भी कामयाब होना है और उस दुनिया में भी कामयाब होना है। इसलिए
दोनों मकाम पर कामयाब होने के लिए वो कौन सा सरिया आपको याद करना चाहिए जिससे इस दुनिया में भी आप कामयाब हो और उस दुनिया में भी आप कामयाब हो। आपको मालूम है, आप खुद जानती हैं कि जो अल्लाह तआला ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और मुझे और मेरे साथ तमाम मर्दों को इस बात पर यकीन है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में पैदा हुए और पैदा होने के बाद इसके बावजूद कि अल्लाह ने उनको नबी बनाया, इसके बावजूद कि वो अल्लाह की कुदरत का एक बेहतरीन नमूना और मॉडल बनकर आए, मगर फिर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल को आबाद करने के लिए और आदम अलैहिस्सलाम की खुशी और उनकी पीस और उनके रेस्ट के लिए कुदरत ने इंतखाब किया, तो उस इंतखाब का दूसरा नाम हजरत हव्वा था। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा का इंतखाब फरमाया इसीलिए कि ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो वीरान दिल है वो आबाद हो जाए। आप समझ रही हैं अपनी पोजीशन को, आप जान रही हैं अपनी पोजीशन को कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के दिल को आबाद करने के लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सिलेक्ट किया, इंतखाब फरमाया। हालांकि ये हो सकता था अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो किसी दूसरी चीज को सिलेक्ट करता, लेकिन उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की आबादी के लिए, उनके सुकून और रेस्ट और पीस के लिए और उनकी मोहब्बत की दुनिया को आबाद करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा का इंतखाब फरमाया। इससे इस बात की तरफ इशारा हो गया और ये बात बता भी गई कि मर्द चाहे वो अपने एतबार से कितना ही कंप्लीट क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त तक वो अनकंप्लीट है जब तक उसकी जिंदगी में औरत का हिस्सा ना हो, जब तक उसकी जिंदगी में एक औरत की हैसियत से सही तरीके से अगर बात न ले, उस वक्त तक मर्द की जिंदगी जो है अनकंप्लीट। यहां तक तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की गुफ्तगू का ताल्लुक था। अब आइए, क्योंकि हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं, इसलिए जो ख्वाहिश और जो शौक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला ने पैदा किया, तकरीबन वही चीज इंसानों के अंदर पैदा कर दी गई और औरत को और मर्द को दोनों को एक गाड़ी के दो व्हील और एक गाड़ी के दो पहिए बना दिए गए और जिंदगी के हर सर्किल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को बांध दिया, ए मर्दो तुम्हारे लिए ये काम है और ए औरतो तुम्हारे लिए ये काम है। क्योंकि हमारी तकसीम कर दी गई, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को आपस में मोहब्बत दी, आपस में ताल्लुकात पैदा कर दिए और उसके बाद मर्दों के ऊपर भी जिम्मेदारी डाल दी गई और औरतों को भी ड्यूटी दे दी गई और बता दिया इस्लाम ने कि ए मर्दों तुम्हारी ये ड्यूटी है और ए औरतों तुम्हारी ये ड्यूटी है। आप जानती हैं अल्लाह ताला की कुदरत और उसके फैसले के मुताबिक एक जिंदगी को कंप्लीट बनाने के लिए और एक घर को सही घर बनाने के लिए मर्द के अलावा औरत की जरूरत होती है। इसके लिए अल्लाह ताला ने और हमारे इस्लाम ने एक हमें तरीका बताया और वो तरीका ये है कि मर्द और औरत इन दोनों की आपस में शादी कर दी जाए, आपस में निकाह कर दिया जाए। यानी हमें एक ऐसा रास्ता बता दिया गया कि जिससे कानूनी तरीके पर इस्लाम के हुक्म के मुताबिक मर्दों को इजाजत दे दी गई कि तुम एक औरत को
अपनी जिंदगी से करीब कर लो और औरत को इजाजत दी गई कानूनी तौर के ऊपर कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के मुताबिक अपनी जिंदगी को किसी मर्द के सुपुर्द कर लो ताकि तुम दोनों की जिंदगी मिल करके एक ऐसी तीसरी जिंदगी और तीसरे घर का और तीसरे माहौल का एक खुशगवार इजाफा हो। मेरी बहनों, इस्लाम का ये उसूल इतना उमदा और इतना अजीब वरीन उसूल है, आप जरा ख्याल फरमाइए कि यही वजह है कि दुनिया के तमाम मजाहिब में निकाह का कोई ना कोई तरीका मौजूद है। मैं इससे बहस नहीं करता कि वो तरीका निकाह का कैसा है क्या है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ है, यही इस्लाम का एहसान है। इस्लाम ने हमें भी एक तरीका बताया कि निकाह करो और किस तरह से करो। फरमाया कि निकाह इस तरीके से हो कि बालिग मर्द वो भी राजी हो, बालिग लड़की बालिगा वो भी राजी हो और माँ बाप भी राजी हो, लोगों के सामने ऐलान के साथ गवाहों के साथ और गवाहों के सामने निकाह हो। इससे इस बात का ऐलान कर दिया गया कि निकाह ये कुदरत के मकसद की तकमील है। क्यों? ये अल्लाह ताला ने जो दुनिया को बनाया तो उसका मकसद यही था, उसकी हिम्मत यही थी, इस दुनिया के अंदर इंसान पैदा हो और लोगों के घर आबाद हों और अल्लाह कुरान मुताला इस दुनिया को आबाद करवाए। या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। अल्लाह तआला ने बनाया, औरतें भी अल्लाह ने बनाई और मर्द भी अल्लाह ने बनाए। तो ये तो इस्लाम का एक आईनी और इस्लामी तरीका था, एक मर्द को औरत से करीब कर दिया गया और औरत को मर्द से करीब किया गया। और जरा इस बरकत को आप देखिए कि एक गैर लड़की जिसका एक मर्द से कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये इस्लाम की खूबी है कि जब मर्द ने इकरार कर लिया कि ये मेरी बीवी है और मैं इससे निकाह करता हूँ और मैं इसको बीवी की हैसियत से कबूल करता हूँ, और उधर लड़की ने भी कह दिया कि मैं राजी हूँ और गवाहों ने भी सुन लिया, लोगों को मालूम हो गया, तो इसके बाद मेरे दोस्तों वो लड़की कि जो बेगानी थी जिससे कोई कनेक्शन न था, इस्लाम ने इन दोनों को एक मकाम पर जमा कर दिया। अब वो दोनों एक हो गए, एक खानदान दूसरे खानदान से मिल गया। वो लड़की जो अभी बेगानी थी लेकिन घर में आते ही मेरे दोस्तों वो घर का और औरत के घर का और औरत की सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन गई, एक अहम मेंबर बन गई और इस तरह से एक ऐसे रिश्ते का और कनेक्शन का आगाज हो गया जो निकाह से पहले नहीं था। ये तो इस्लामी तरीका था। निकाह क्यों है, इसकी वजह क्या है, आप खूब जानते हैं कि निकाह इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया ताकि हम अपने ईमान की अपनी इज्जत की हिफाजत करें। हदीसों में इरशाद फरमाया अल निकाह रिस्कुल ईमान, हदीसों में इरशाद फरमाया अल निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी। हुजूर ने फरमाया कि निकाह करना ये मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है। तो जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, जिसने इस मेरी सुन्नत को नफरत की निगाह से देखा, हुजूर फरमाते हैं वो मेरी कैटेगरी से खारिज हो गया। आप देख रहे हैं कि निकाह की तरबीत की भी जा रही है, ये निकाह का हुक्म किस लिए दिया जा रहा है, इसलिए नहीं कि निकाह को ऐश-इशरत का जरिया करार दे दिया जाए, इसलिए नहीं कि निकाह को पिकनिक का जरिया करार दे दिया जाए, इसलिए नहीं कि माँ बंदा निकाह करने के बाद और गुनाहों में मशगूल हो जाए, इसलिए नहीं,
बल्कि शरीयत ने जो निकाह का प्रोग्राम हमारे सामने पेश किया, शरीयत का जो मैरिज प्रोग्राम है वो इसलिए है कि हमारे ईमान की भी हिफाजत हो और हमारी इज्जत की भी हिफाजत हो। मुकद्दस खवातीन, आपको मालूम है कि ईमान के बाद एक औरत के पास सबसे बड़ी चीज क्या है? सुनिए, एक औरत के पास सबसे बड़ी चीज न उसके लिए दौलत है, न उसके लिए मकान है, न उसके लिए कोई सोसाइटी है। एक मुसलमान औरत के लिए ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज जो है वो उसकी इज्जत है और अस्मत है। आप यकीन मानिए, आप खूब जानती है, आप खूब समझती है और आपको इस हकीकत का पता है कि वो औरतें जिनको सोसाइटी में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, वो औरतें जिनको हम बुरी निगाहों से देखते हैं, हम समझते हैं कि ये कैरेक्टर किसी की औरतें हैं, ये जो है अच्छी औरतें नहीं। आप जानती हैं उन औरतों ने और घरों में रहती है जो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती है, जिनकी नजर में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो इस बात पर यकीन रखती है कि उन्हें इस दुनिया से जाना है। आप जानती हैं इन दोनों औरतों की क्या बात? बाजार में बैठने वाली औरत, गंदे काम करने वाली औरत, फाहिशा काम करने वाली औरत, बेहयाई और बेशर्मी के काम करने वाली औरत और एक औरत है जो इज्जत वाली औरत है, इन दोनों में क्या फर्क है? आप जानती हैं इन दोनों में जो फर्क है वो यही तो है कि शर्म हया, शर्म हया का फर्क है। वरना दुनिया में सभी औरतें औरत होने में तो सभी औरतें, इन दोनों ग्रुप के अंदर फर्क यह है कि घरेलू औरतें जो होती है, हाउस होल्डर जो होती है, घर में रहने वाली जो औरतें रहती है, जो घर में रह करके अपनी जिंदगी को शानदार बनाती है और शरीयत के सर्किल में रह करके दीन की और मुल्क और कौम की खिदमत करती है, भूल गई। और मेरे औरतों में यही फर्क है कि जो औरतें मुसलमान होती हैं, अंडावादी होती हैं, उनका उनके अंदर शर्म हया होती है, और जो दूसरी औरतें हैं गंदी किस्म की औरतें हैं, उनमें शर्म हया नहीं होती। अगर शर्म हया को उठा दिया जाए तो फिर औरतों में कोई फर्क बात नहीं। इस्लाम ने चूंकि वो इज्जत वाला मजहब है, इस्लाम इस बात का हुक्म देता है, इस्लाम इस बात के लिए बैठ करता है, जोर देता है कि औरतों तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करो। और इज्जत की हिफाजत किस तरह से हो सकती है? सुनिए, इज्जत की हिफाजत अगर हमने आज की दुनिया की अगर हमने कॉपी की, अगर हमने वेस्टर्न लाइफ को अपनाने की कोशिश की, अगर हमने वेस्टर्न सिस्टम को अपनी जिंदगी में बनाने की कोशिश की, अगर हमने ये कोशिश की कि आज की जो एक्ट्रेसें हैं, आज की जो डांसर है, जो नाचने और गाने वाली औरतें हैं, अगर हमने उनकी कॉपी की, तो मेरी बहने आप मुझे माफ फरमाएं कि हम अपनी इज्जत की और हया और शर्म की हिफाजत नहीं कर सकते। शर्म और हया की हिफाजत के लिए सिर्फ एक ही जरिया है और वो ये है कि हमें कॉपी करनी चाहिए अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत खदीजा या प्यारी बीवी हजरत आयशा या प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना। अगर हम इन मुकद्दस खवातीन की हमने कॉपी की और इनकी लाइफ को अगर हमने सामने रखा, तो आप यकीन मानिए कि हमारी जिंदगी का ये स्टेज बहुत ही ब्यूटीफुल होगा और बहुत ही हसीन होगा। आपने मालूम कर दिया, आपको मालूम हो गया कि शादी मैरिज सिस्टम इस्लाम के अंदर इसीलिए है कि ईमान की और इज्जत की हिफाजत की जाए। जब आपका इस फार्मूले पर यकीन है और आप इस फार्मूले को अच्छी तरह समझती हैं, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन सा जरिया है, वो कौन सा तरीका है कि जिससे आप अपने ईमान
इज्जत और अस्मत की हिफाजत कर सकती है। इसके लिए इस्लाम की रोशनी में आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा किया इस हैसियत से भी मर्द है, अल्लाह ताला ने औरतों को पैदा किया इस हैसियत से भी आप औरत हैं, और फिर फरमा दिया कि इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात, ये जो पूरा पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में मर्द और औरतें की गिनती बता दी और बता दिया है कि इस्लामी अहकाम में मर्द भी है औरतें भी हैं, लेकिन मर्दों को भी करनी चाहिए औरतों को भी करनी चाहिए। ये पूरी तफसील के साथ इस पैराग्राफ में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों को दोनों को बताया। मुझे इस वक्त आपसे ये कहना है